हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिव्यू ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। एक्यूट किडनी इंजरी होता क्या है? इसमें मेनली जो हमारा सीरम क्रिएटिन है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.3 mg/dL, और या कह सकते हैं कि 50% इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है 7 दिन के अंदर। और जब यूरिन आउटपुट की बात करें तो वो लेस देन 0.5 mg/kg/h होता है ग्रेटर देन 6 आवर्स में। ठीक है, अगर इसका इतियोलॉजी कहें तो इतियोलॉजी मतलब कारण क्या है, तो कारण किडनी के अंदर भी हो सकता है और किडनी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो किडनी के बाहर अगर हुआ तो हम क्या कहेंगे, या तो प्री रीनल होगा या पोस्ट रीनल हुआ। अगर प्री रीनल है तो वो किडनी से पहले है, पोस्ट रीनल है मतलब कि वो किडनी के बाद है। ठीक है, तो प्री रीनल में क्या क्या कॉज हो सकते हैं? अब ये जो प्री रीनल है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है एक्यूट किडनी इंजरी का। और प्री रीनल का मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? तो एजोथेमिया। इसका मतलब कि ब्लड में क्या होता है, ये नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये मेनली होता क्यों है? तो या तो डिहाइड्रेशन हुआ है पेशेंट में, या तो हेमरेज हुआ है जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम कम है, या तो सेप्सिस के कारण, नहीं तो हार्ट फेलवर के कारण। क्योंकि जो हार्ट है ना उसका जो कार्डिक आउटपुट है उसका 20% जो ब्लड है वो किडनी से होते हुए गुजरता है। दूसरा कॉज क्या है? रीनल। रीनल कहने का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक, किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो ये मेनली किसके कारण हो सकता है? या तो PHGN के कारण, या सिस्टमैटिक लुपस एरिथेमस, या SSP के कारण, या HU हेमोलाइटिक यूरेमिक ये सिंड्रोम के कारण, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के कारण, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के कारण, या ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के कारण। ठीक है, पोस्ट रीनल की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तभी तो यूरिन बाहर नहीं जा रहा है, तो PUJ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, PUV के कारण, यूरोलिथियासिस के कारण और ट्यूमर के कारण। ठीक है, तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस अगर बात करें तो कौन सा होगा? या तो हाइपरकैलेमिया के कारण एरिथमाज है, मेनली सबसे ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर का अगर देखा जाए डेथ तो वो एरिथमाज के कारण ही होता है रिलेटेड टू किडनी। फ्लूइड ओवरलोड हो जाए जिसके कारण पल्मोनरी एडिमा हो, हार्ट फेलर हो, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया या सीवियर हाइपरटेंशन हो जाए जिसके कारण इंसेफेलोपैथी हो, या फिर सीवियर एनीमिया और सीवियर एसिडोसिस हो जाए। तो ये सब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है हमारे किसका, तो एक्यूट किडनी इंजरी का। अब एक्यूट और क्रोनिक किडनी डिजीज देखना है तो उसके लिए हमें तो ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो रीनल है वो फंक्शन कैसे कर रहा है, तो चिल्ड्रन में कैसे फंक्शन करता है। तो इसके लिए हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखते हैं। मेनली जो प्री टर्म है उनमें 10 होता है नॉर्मल GFR, 10 ml/min/1.73 m². टर्म में 20-40 होता है और 2 साल में 120 होता है जो एडल्ट वॉल्यूम के बराबर होता है। इसका अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसमें हमें कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है जिसका नाम है स्वार्ट्स फार्मूला। इसमें हम क्या करते हैं, एस्टीमेट निकालते हैं GFR का। कैसे निकालते हैं? K जो कांस्टेंट होता है इनटू हाइट सेंटीमीटर में रखते हैं और सीरम का जो क्रिएटिन है उसको से डिवाइड कर देते हैं। ये जो K है ना उसका कांस्टेंट 0.40 होगा। अगर हम यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी की बात करें तो प्री टर्म में 500, टर्म में 500 से 700 और एक ईयर के बाद 1200 से 1400 एडल्ट वॉल्यूम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ है? अब जो कह रहे हैं ना ये जो एक्यूट किडनी डिजीज है इसको दूसरे बात में हम एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी कह सकते हैं। ये जो एक्यूट किडनी इंजरी है ना इसको दूसरे नाम एक्यूट ACUT एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी कहा जाता है। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल है ना
उसमें डिस्ट्रक्शन होता है और जिसके कारण रीनल फंक्शन लॉस होता है। ठीक है, ये जो एक्यूट किडनी इंजरी है यही मोस्ट कॉमन कॉज होता है एक्यूट रीनल फेलवर का। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है एक्यूट रीनल फेलवर का। इसी में रेपिड और रिवर्सिबल डिटोरिएशन देखने को मिलता है रीनल फंक्शन का, और रिडक्शन हो जाता है यूरिन के आउट फ्लो में लेस देन 400 ml पर डे विद इन 24 डेज में देखा जाता है। अब ये जो एक्यूट ट्यूमलर नेक्रोसिस है ये दो तरह का होता है, या तो ये इस्कीमिया के कारण हुआ है या नेफ्रोटॉक्सिक के कारण हुआ है। इस्कीमिया मोस्ट कॉमन कॉज होता है एक्यूट ट्यूमलर नेक्रोसिस का। इसमें क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम क्यों होगा, या तो शॉक हुआ है, हेमरेज हुआ है, हाइपोटेंशन हुआ है या डिहाइड्रेशन हुआ है, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा जिसके कारण ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, जिसके कारण मेनली ये इस्कीमिक एटीएन देखने को मिलता है। अब ये कहाँ पे अफेक्ट करता है, तो ये मेनली प्रेजेंस होता है फोकल ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो अफेक्ट करता है प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूबल्स को और असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले को, क्योंकि यहाँ पर ही बात ये मेनली इलेक्ट्रोलाइट का आदान प्रदान होता है। नेफ्रोटॉक्सिक एटीएन ये मेनली इंडिजिनस भी होता है और एक्जोजिनस भी होता है। तो कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि जेंटामाइसिन, मेथिसिलिन, कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो हम आयोडिनेटेड चेस्ट एक्सरे सब करते हैं ना वो सब। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल, फिनोल, पेस्टिसाइड, मायोग्लोबिन, ये सब के कारण देखने को मिलता है। ये भी अफेक्ट करता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को। ठीक है, स्पेसिफिक फीचर जो अफेक्ट करता है मर्कुलिक क्लोराइड, इसके कारण लार्ज एसिडोपैथिक इंक्लूजन देखने को मिलता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये एक्यूमुलेशन हो जाता है न्यूट्रल लिपिड में। इथाइलिन ग्लाइकोल ये क्या करता है, बैलूनिंग और वैस्कुलर डिजनरेशन करता है पीसीटी का, और कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल मेनली डिपोजिट होने लगता है ट्यूबुलर ल्यूमेन में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम? ये जो दोनों इस्कीमिक और नेफ्रोटॉक्सिक एटीएन होता है ये मेनली क्यों होता है, तो रप्चर हो जाने के कारण ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जिसको हम ट्यूबरोहेक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, TUBULORHEXIS ट्यूबरोहेक्सिस, या ऑक्लूजन हो जाने के कारण ल्यूमेन में। और मेनली ऑक्लूजन कहाँ होता है, तो डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स या कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये पैथोजेनेसिस क्या होता है एटीएन का, सबसे पहले इस्कीमिया होगा जिसके कारण ट्यूब के सेल को इंजरी होगा। अगर ट्यूब के सेल को इंजरी हुआ तो दो चीज़ हो सकता है, या तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमेन के कारण हुआ होगा जो कास्ट के डिपोजिशन के कारण हुआ है, या इसमें जो सेल का पोलरिटी है ना उसका लॉस हो गया है जिसके कारण डिजिटल सोडियम डिलीवरी बढ़ जाता है, जिसके कारण ट्यूबुलो ग्लोबुलर फीडबैक बढ़ जाता है। अब इस दोनों के कारण क्या होता है, तो GFR घट जाएगा, ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा। ये जो ट्यूबुलो ग्लोबुलर फीडबैक होता है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण भी होता है। ठीक है, या तो रेनिन या इंडोथेलिन का बढ़ जाना और नाइट्रिक ऑक्साइड या प्रोस्टाग्लैंडिन का घट जाने के कारण भी होता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होंगे, इसके तीन फेज होते हैं। जो पहला फेज होता है उसको क्या कहते हैं, इनिशियल INITI इनिशियल फेज, मेंटेनेंस फेज और रिकवरी फेज। इनिशियल फेज में क्या होता है, ये मेनली 36 आवर्स के लिए रहता है। इसमें स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिलता है यूरिन के आउटपुट में और राइज होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। और अगर मेंटेनेंस फेज में ऑलिगो यूरिया स्टार्ट हो जाता है, साल्ट और वाटर ओवरलोड देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और राइजिंग बर्न कंसंट्रेशन। रिकवरी फेज में स्टीडी इंक्रीज होता है यूरिन वॉल्यूम का, हाइपोकैलेमिया होगा और इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शन। मतलब क्या होता है, रिकवरी में जितने भी सिम्टम हैं वो सही होने लगते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अभी तक क्या क्या पढ़ लिया इसका। तो इसका डिफिनीसन पढ़ लिया,
इसमें ओलिगो डिफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि क्रिएटिन 0.3 mg पर dl से कम जाएगा विद इन 1 वीक, और विद इन 48 आवर्स और 50% क्रिएटिन का लेवल बढ़ जाएगा विद इन 1 वीक। ठीक है, ओलिगो यूरिया में हमने क्या पढ़ा कि ओलिगो यूरिया में 400 ml पर 24 आवर्स में घटेगा। क्या इसका एसोसिएशन होता है मल्टीपल माइलोमा से? तो हाँ, रीनल एमेलाइडोसिस से इसका एसोसिएशन होता है। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है एक्यूट रीनल फेलियर का, तो वो होता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ AKI क्या होता है, तो प्री रीनल एजोथेमिया। किस में आपको पैची नेक्रोसिस PCT LH अफेक्ट होता है रिलेटिवली शॉर्टर लेंथ, तो वो होगा इस्कीमिक टाइप ATN। किस में एक्सटेंसिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है, तो टॉक्सिक टाइप ATN। ठीक है, थ्री वो ब्रोथ कैटेगरी क्या होता है AKI का, तो प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कंडीशन क्या देखने को मिलता है प्री रीनल एजोथेमिया में, हाइपोवोलेमिया, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, मेडिकेशन इंटरफेयर्स। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इंट्रिंसिक AKI का, सेप्सिस, इस्कीमिया और नेफ्रोटॉक्सिन्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कॉज क्या होता है कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी। कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी में कहे थे ना आयोडिनेटेड जो एक ये इमेजिंग किया जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं प्लेन इमेजिंग करते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी है इसमें मेनली सीरम जो है वो राइज करने लगता है 24 से 48 आवर्स में, और वो पीक पे पहुंच जाता है 3 से 5 दिन में, लेकिन बाद में वो 1 वीक में सही हो जाता है। मोस्ट कॉमन प्रोटीन कौन सा है यूरिन में, तो वो मिलता है वो है इरोमोडुलिन, जिसको टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन भी कहते हैं। AKI का हॉलमार्क क्या है, तो बिल्डअप नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट जो मैनिफेस्ट होता है एलिवेटेड बर्न कंसंट्रेशन से। अब आते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज में। क्रोनिक किडनी डिजीज अगर इसका कोई डेफिनेशन कहे ना, तो कोई भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल किडनी इम्पेयरमेंट जो एटलीस्ट 3 मंथ के लिए हो, तो उसको हम क्या कहेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज कहेंगे। ठीक है, इसमें आपको मेनली आपको ये ग्राफ समझना है। इस ग्राफ में अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मल GFR क्या होता है, तो वो होता है 120 ml पर मिनट पर 1.73 m². अगर इसको स्टेज में बांटा गया है केडिगो 2012 के अनुसार कि एल्बुमिन का कैटेगरी देखा गया है और GFR का कैटेगरी देखा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम ये GFR का कैटेगरी देखते हैं, तो इसमें स्टेज 5 है G1 G2 G3 G4 G5। G1 अगर देखें सिंपल भाषा में G1 तो ग्रेटर देन 90 रहे, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, अगर ये 60 से 89 के बीच में रहे तो माइल्ड होगा। उसके बाद 30 से 59 के बीच में रहे तो मॉडरेट होगा। उसके बाद वो क्या है 15 से 29 के बीच में रहे तो सीवियरली डिक्रीज होंगे, और अगर 15 से कम रहा तो वो इन द स्टेज रीनल फेलियर कहलाता है, जिसमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। तो वही हो रहा है अभी जो ग्रुप 3 है ना स्टेज 3, इसको भी 2 ग्रुप में बांटा गया 3A 3B। 3A क्या है माइल्ड से मॉडरेट डिक्रीज किया है, और 3B मॉडरेट से सीवियरली डिक्रीज किया है। तो इस तरह से इसका कैटेगरी बांटते हैं। अब एल्बुमिन का देखते हैं, एल्बुमिन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है A1 A2 A3। ठीक है, तो A1 में क्या हो जाएगा, तो लेस देन 30 रहते हैं मिलीग्राम पर ग्राम। मॉडरेट में क्या होंगे, मतलब A2 में 30 से 300 मिलीग्राम पर ग्राम रहेगा, और A3 में सीवियरली इंक्रीज करेगा ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम पर ग्राम रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए कि एक पेशेंट आया जिसमें GFR कितना है, तो GFR का रेंज 30 to 45 है, 44 है, और उसमें एल्बुमिन क्या है 30 to 300 mg पर ग्राम है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा। 30 to 40 तो ये वाला कैटेगरी है और ये वाला कैटेगरी है, मतलब कि वो मॉडरेटली इंक्रीज किया है क्या
तो एल्बुमिन और मद्रेत्री तो सीवियरी डिक्रीज किया है, ये मतलब कि मद्रेत सी के डी में आ जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा कि जो एक क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट आया है उसमें G4A2 है, इसका क्या मतलब हुआ? G4 का मतलब हुआ सीवियरी डिक्रीज, GFR 15 से 29 के बीच में है, और A2 मतलब मद्रेत्री इंक्रीज हुआ है, जो एल्बुमिनेरिया है यूरिन में जो एल्बुमिन है वो 30 से 300 के बीच में है। ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा? तो ट्रीटमेंट पे रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी किया जाता है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट किसके लिए है? अगर हाइपरफॉस्फेटेमिया रहा तो ट्रीटमेंट, अगर एनीमिया का करना रहे तो करेंगे ट्रीटमेंट, मिनरल बोन डिजीज का करना रहे या माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट का करना रहे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इजीली स्टेज में बांटा गया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। स्टेज 1 अगर GFR 90 से ज़्यादा रहा तो, स्टेज 2 अगर 60 से 89 के बीच में रहा तो, स्टेज 3 30 से 59 के बीच में रहा तो, स्टेज 4 15 से 29 और स्टेज 5 less than 15। स्टेज 1 में हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जो अंडरलाइंग कंडीशन है उसको सही करेंगे। स्टेज 2 में हम देखेंगे कि ये किस रेट से प्रोग्रेस कर रहा है। स्टेज 3 में हम इवैल्यूएशन करेंगे और कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करेंगे। स्टेज 4 में हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। लेकिन अगर स्टेज 5 हो जाए तो इसमें हम डायलिसिस स्टार्ट कर देते हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है अगर यूरेमिक रहे तो। ठीक है, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। कॉजेज ऑफ लार्ज किडनी ऑब्जर्व इन CKD, कौन कौन से कॉजेज होते हैं जो CKD को कॉज करते हैं? वो है डायबिटिक नेप्रोपैथी, HIV एसोसिएटेड नेप्रोपैथी, इनफिल्ट्रेटिव डिजीज और ओकेजनली एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। क्या डेफिनेट डायग्नोसिस होता है CKD का? हाँ, किडनी बायोप्सी। डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है अगर इस हेपेटोरिनल सिंड्रोम हुआ है तो? हाँ, लीवर ट्रांसप्लांटेशन। क्या कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रीफर किया जाता है इस पेशेंट में? तो किस पेशेंट में किया जाता है ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी? जिसको सीवियर हेमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी है, सेरिबुलर इडीमा है, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ओवरलोड है। अगर किसी में क्रोनिक रीनल फेलवर हुआ है तो वो मेनली किस स्टेज में आएगा? तो स्टेज 3 से 5 में आएगा। ESRD किस स्टेज में आएगा? तो स्टेज 5 में आएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है ये CKD के लिए? तो माइक्रो एल्बुमिनेरिया, मतलब यूरिन में कम एल्बुमिन का पाया जाना। मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है कैल्शियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर का? तो टोटल बॉडी कैल्शियम एक्यूमुलेशन, जिसके कारण हाइपरकैल्शेमिया होता है। लीडिंग कॉज क्या होता है? तो मेनली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। मेजर रिस्क फैक्टर क्या है इस्कीमिक CVD का? तो कोई भी स्टेज हो सकता है 1 से 5 तक में। स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अगर हाइपरटेंशन एब्सेंट हो तो क्या होगा? मेनली साल्ट वेस्टिंग फॉर्म ऑफ रीनल डिजीज होंगे। इफेक्ट देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी का, वॉल्यूम डिप्लीशन करेंगे। ठीक है, स्टेज ऑफ CKD जिसमें कि एनीमिया अपियर हो स्टेज 3, और इन्वल्सर क्या है स्टेज 4। कोई पूछेंगे इन्वल्सर किस में होता है? तो स्टेज 4 में। ठीक है, स्टेजेज ऑफ CKD जहाँ पर पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलता है स्टेज 4। स्टेज ऑफ CKD जहाँ पर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है स्टेज 3। इंडिकेशन फॉर द थेरेपी ऑफ AC इनहिबिटर ARB जब प्रोटीन एक्सक्रीशन greater than 300 mg हो जाए तो, स्पेशली इन डायबिटीज मेरिटस नेप्रोफैटी। उसके बाद ये कौन से पेशेंट पे CKD देखा गया अगर गैडोलियम से एक्सपोज हुआ तो? नेफ्रोजेनिक फाइब्रोसिस डर्मेटोपैथी, ठीक है, डर्मोपैथी में। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें एडवांस CKD हो गया हो तो वो होता है कैल्सिफिक यूरेमिक आर्टेरियोपैथी। लो बोन टर्नओवर, लो नॉर या नॉर्मल PTH किस में देखा गया है? ए डायनेमिक बोन डिजीज या ओस्टियोमलेशिया में। क्लासिकल लेसन सेकेंडरी टू हाइपरपैराथायरायडिज्म या
हाई बोन टर्नओवर जिसमें पीटीएच बढ़ा हुआ हो, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशियल डायग्नोस्टिक स्टेप तो वो हो जाएगा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीकेडियन एक्यूट और सब एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, मेनली अगर अमोनिया यूरिया जो है अमोनिया में टूटेगा तो कौन सा डेरिवेटिव जाएंगे, तो यूरेमिक फेटोल। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम?